चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड की सबसे चर्चित रोमांटिक लव स्टोरी विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या राय की रही है। इन दोनों की रोमांटिक जोड़ी ने बॉलीवुड की गलियों में खूब सुर्खियों बटोरी है, लेकिन ये जोड़ी काफी दिनों तक इंडस्ट्री में नहीं रह पाई। विवेक ओबरॉय का दिल उस दिन जब बहुत रोया था जब ऐश्वर्या राय ने उन्हें दरकिनार करके उन्हें अलग कर दिया था। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या राय ने दिया हुआ वो जख्म आज भी विवेक ओबरॉय को समय समय पर छलकता हुआ नजर आता है। इसका सबूत है एक इंटरव्यू में विवेक ओबरॉय ने ऐश्वर्या राय को प्लास्टिक भी बताया है। विवेक ओबरॉय ने ऐश्वर्या राय को प्लास्टिक का दिल रखने का भी आरोप लगाया है। जैसा कि आप सभी को पता है, ऐश्वर्या और विवेक ओबरॉय का अफेयर काफी लंबे समय से चल रहा था। तब सलमान खान ने उन्हें फोन कर धमकाया था। विवेक से पहले ऐश्वर्या राय सलमान खान के साथ अफेयर को लेकर काफी सुर्खियां बटोर चुकी थी, लेकिन विवेक ओबरॉय को डेट करने से पहले उन्होंने सलमान के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। लेकिन सलमान को यह बात हजम नहीं हो पाई कि उन्हें ऐश्वर्या राय छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। नतीजा यह हुआ कि विवेक को गुस्से में आकर सलमान खान ने फोन घुमा दिया, जिसके बाद विवेक ने अपने कहर से रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस मीडिया मुलाकात में उन्होंने सलमान पर कई आरोप लगाए, जिन्होंने 41 बार सलमान खान ने उन्हें फोन पर धमकी भी दी है। जब विवेक ने टीवी पर सलमान खान के दिए गए मिस कॉल को दिखाया, तब कहा कि सलमान खान ने उन्हें सरेआम पीटने और जान से मारने की धमकी दी है। स्टार प्लस के शो तेरे मेरे बीच में विवेक ओबरॉय ने बताया कि इस वाक्य के बाद उन्होंने ऐश्वर्या राय से कभी भी मुलाकात नहीं की है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उन्हें अब तक पूरी तरह से भूल चुके हैं। साथ ही साथ ऐश्वर्या राय का दिल क्या करे, वो हर तरह से ही प्लास्टिक का ही है। साथ ही साथ ऐश्वर्या ने नहीं, इंडस्ट्री में काफी लोग हैं जो प्लास्टिक के दिल लेकर बैठे हुए हैं।